एक सिद्ध आचार्य अपने शिष्यों के साथ तीर्थ यात्रा पर निकले। कुछ देर चलने के बाद वे थकान निकालने बीच घने जंगल में रुक गए। इतने में आचार्य को कुछ आवाजें सुनाई दी। ध्यान से सुनने पर आचार्य को समझ आया कि यह कुछ लोगों के रोने की आवाज हैं। उन्होंने शिष्यों को बोला, बालको सुनो, ये आवाजें कहाँ से आ रही हैं? तब शिष्य एक दूसरे का मुंह देखने लगे, क्योंकि उन्हें कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। फिर भी गुरु के आदेशानुसार उन्होंने थोड़ी दूर पर आकर देखा। केवल आचार्य को एक गहरे अंधेरे कुएं से कुछ लोगों के रोने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। आचार्य ने कुएं में झांक कर देखा तो उन्हें 5 लोग बहुत ही बुरी दशा में रोते हुए दिखाई दिए, लेकिन शिष्यों को ना आवाज़ सुनाई दी और ना ही कुछ दिखाई दिया। तब आचार्य ने उन 5 लोगों को मुस्कुराते हुए देखा और पूछा, भाई किन कर्मों का भोग रहे हो? तब वे 5ों और जोर जोर से रुदन करने लगे। तब आचार्य ने शिष्यों को बताया, यहाँ 5 प्रेत आत्माएं हैं। यह सुनकर शिष्य डर गए। तब आचार्य बोले, बालको डरो नहीं, तुम सभी इनसे ज़्यादा शक्तिमान हो, क्योंकि तुम सब कर्मों से महान हो और ये सभी आज अपनी पिछली करनी का भोग रहे हैं। आज के समय में इनसे दुर्बल कोई नहीं है। तब शिष्य ने पूछा, इन्होंने ऐसा क्या किया है? तब पहली आत्मा ने उत्तर दिया कि वह पिछले जन्म में ब्राह्मण था, भिक्षा मांगता था, लेकिन उस भिक्षा को भोग विलास में खर्च करता था। दूसरे ने उत्तर दिया, वह क्षत्रिय था और अपनी शक्ति का दुरुपयोग निर्बल असहाय गरीबों पर करता था। तीसरे ने उत्तर दिया कि वो बनिया था, बस खुद के फायदे की सोचता था और हमेशा मिलावट करके सामान बेचता था, जिस कारण कई लोग मारे गए। चौथे ने उत्तर दिया, वह क्षुद्र था, बहुत आलसी और जिम्मेवारी से भागता था, अपने माता पिता को पीटता था और दिन रात नशा करता था। पांचवे ने उत्तर दिया, वह एक लेखक था, अश्लील कथाएं लिखता था, उसने समाज को वासना का पाठ सिखाया था। इस तरह वे सभी पापी अपने पापों को भोग रहे हैं। उन्होंने आचार्य से निवेदन किया, आप गुरु हैं, आप दुनिया वालों को समझाएं कि बुराई का रास्ता क्षण की खुशी देता है, लेकिन इसका दंड कई जन्मों तक अंधकार में भोगना पड़ता है। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि मनुष्य को कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है, फिर वो किसी भी जन्म में हो। कहते हैं कि जिस तरह ईश्वर है वैसे ही भूत भी होते हैं, लेकिन वे जितने दुर्बल होते हैं उतना कोई नहीं, जितने कष्ट में वो होते हैं उतना कोई नहीं, वे अपनी करनी का भोग करते हैं। क्षण की विलासता कई जन्मों का डर बन जाती है। व्यक्ति कितना भी इतरा जाए, नीति उसके कर्मों का हिसाब रखती ही है। इसलिए सदैव सदमार्ग पर चलें, अगर कोई गलती हुई भी है तो उसे सुधारें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।